आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। हरियाणा के सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में विजेता रहे अभय सिंह चौटाला ने विधायक पद की शपथ ले ली है। जी हां, बता दें आपको कि एलनाबाद उपचुनाव जीतने के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जनवरी 2021 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस दौरान अभय चौटाला खुद ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे। शपथ लेने के बाद अभय चौटाला ने कहा कि मैं जल्द सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच जाऊँगा। अगर किसान मुझे फिर से कहेंगे कि इस्तीफा दे दो तो मैं फिर से इस्तीफा दे दूंगा। अभय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला के सवाल पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं क्योंकि इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। तो वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि शेर को घायल जरूर किया जा सकता है लेकिन गीदड़ कभी राज नहीं कर सकते। पिछली बार जजपा के नेताओं ने कहा था कि हमने एलनाबाद में प्रचार नहीं किया इसलिए मैं जीत गया। इस बार तो भाई अजय चौटाला, दोनों भाई और भाभी जी भी रात ये 2-2 बजे तक प्रचार करते रहे थे लेकिन मैं जीत कर फिर से आ गया। अब मैं इनकी छाती पर बैठूंगा। बता दें कि इनेलो नेता अभय चौटाला के एलनाबाद सीट के उपचुनाव में जीत के साथ ही उनके फिर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की चर्चाएं शुरू हो गई है। पहले खुद अभय और इसके बाद उनके पिता व पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला द्वारा इस संबंध में बयान देने के बाद हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल को वॉच और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।